हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओडिशा एग्जाम गाइड। तो फ्रेंड्स, आज ये भिडियो आम आरआई एआरआई ओमिन एसएफएस फायरमैन पर मोस्ट इम्पोर्टेंट 25टा जीके क्वेश्चंस माने जनरल नॉलेज क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करवा है जोटा कि आपन को आसुवा ओ डबल एससी है ओ ट्रिपल एससी ओ ट्रिपल एस सी ओपीएससी ओडिशा पुलिस ओडिशा टीचर है जितकी भी ओडिशार अपकमिंग एग्जाम्स मैंने आसूँ सब एग्जाम्स बहुत इम्पोर्टेंट हम है। तो वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखते तो चलो तो वीडियोटी को स्टार्ट कर आज प्रथम प्रश्न रु। तो आज प्रथम प्रश्न हूँ आमर हु वाज द कोर्ट पॉइंट ऑफ समुद्रगुप्त मान समुद्रगुप्त है जो कोर्ट पॉइंट किए थी है मैंने जो जो दरबार थिला दरबार रो कवि किए थे आर्यभट्ट नागार्जुन वीरसेन ना हरिसेन तार सठिक उत्तरटी होमर हरिसेन है हरिसेन समुद्रगुप्त जो कोर्ट पॉइंट थी है तो राइट आंसर होची ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन होची आमर इन ह्विच स्टेट्स इज द पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड माने कौ राज्य भारत कौ राज्य पवित्र वन्यजंतु संरक्षण अच्छी है तो राइट आंसर हूँ आमर महाराष्ट्र हम ना गुजरात ना बिहार ना आसाम तो सठिक उत्तर होमर कौटा आसाम आसाम रे है जो वन्यजंतु संरक्षण जो अच्छी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीटा से पवित्र से आसाम रे अच्छी है आसाम रे अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ आमर द आइडिया ऑफ प्रीएम्बुल हैज बीन बोरोड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ माने क्यों देशर संविधान रु है भारतीय संविधान रे जो प्रीएम्बुलटा अच्छी है प्रीएम्बुल माने जो सूची अच्छी आगुरी है आपड़ जब बही खोलती प्रथम गोटे प्रीएम्बुल दे थे से मैंने कॉन्स्टिट्यूशन बुक प्रथम रु से प्रीएम्बुलटा लेखा अच्छे से कौ देश अणा जा कौ देशर संविधान रु हला तो ऑप्शन देछि हमर इटाली कनाडा फ्रांस ना यूएसए तो सठिक उत्तरटी होछि हमर यूएसए हला माने यूनाइटेड अरब इमिरेट और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सॉरी हला माने अमेरिका रु ओणा जाइछि हला। नेक्स्ट क्वेश्चन होछि हमर द बीपीएल फार्मूला बीपीएल माने बिलो पॉवर्टी लाइन हला बीपीएल फार्मूला व्हाट सजेस्टेड फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ पॉवर्टी इन द चेयरमैनशिप ऑफ माने जो बीपीएल फॉर्मूलाटा जो किए सजेस्ट करथिला हला जोटा कि दरिद्रता को इवैल्यूएशन माने मापिबा पई व्यवहार करा जाउथिला हला तो बीपीएल फॉर्मूलाटा किए सजेस्ट करथिला माने कहा चेयरमैनशिप कहार चेयरमैनशिप द्वारा सेटा सजेस्ट करा होइथिला तो सुरेश तेंदुलकर ऑप्शन देछि गोविंद आचार्य रंगाराजन कौशिक तो राइट आंसर कौन हम आम ना सठिक उत्तरटी होमर सुरेश तेंदुलकर है सुरेश तेंदुलकर चेयरमैनशिप रे है बीपीएल फर्मूलाटा जोटा जोटा कि पॉवर्टी को मान दरिद्रता को मापिबापाई व्यवहार करा जाए सेटा को है सजेस्ट करा होता कहार चेयरमैनशिप द्वारा सुरेश तेंदुलकर तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ आमर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एक्जिस्ट इन माने जो डिस्गाइज माने जो छद्म बेसरी थांदे हला डिस्गाइज माने छद्म जो बेकारी समस्या है हला अनएम्प्लॉयमेंट माने बेकारी इंडिया रो को सेक्टर रे देखा जाए डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर एग्रीकल्चरल सेक्टर माने कृषि सेक्टर बैंकिंग बैंकिंग सेक्टर रे ना सर्विस सेक्टर रे तार सठिक उत्तर होची एग्रीकल्चरल सेक्टर माने कृषि सेक्टर रे कौन देखा जाए ना डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाए डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट माने को प्रकार बेकारी तो यहाँ हूँ आमर प्रोडक्टिविटी मान उत्पादन जदि जीरो होटा को आम कह डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है मैंने जड़े अधा कम कर पुणी चलो है तो यही भाया जो अनएम्प्लॉयमेंट बेकारी समस्याटा एग्रीकल्चरल सेक्टर रे ही देखा जाए है कहीं से अधा कम कर तो सही तार उत्पादन उत्पादनटा जीरो होगा तो सही आम कह डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ आमर द कॉन्सेप्ट ऑफ विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी इज रिलेटेड टू माने
ये जो कनसेप्टा जो अच्छे कह रहा भिसीयस सर्किल ऑफ पॉवर्टी मैंने जदि जो गरीब अच्छे पुणी गरीब रही देवाटा आम कौच सर्किल ऑफ पॉवर्टी है सीटा क्या सहित जड़ित है कनसेप्टा किए दे कार्ल मार्क्स नॉर्क्से आडम स्मिथ ना कौन सी भी नुहे तो सठिक उत्तर टेमर किए नॉर्क्से है किए देता नॉर्क्से विशेष सर्किल ऑफ पॉवर्टी टा किए देता नॉर्क से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ आमर हु वाज द फाउंडर ऑफ द मामलुक डायनेस्टी इन इंडिया माने भारत रे किए मामलुक राजवंशर प्रतिष्ठा करितिला कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियार खिलजी रजिया सुल्तान ना इल्तुतमिश तो सठिक उत्तर टी कौटा तो सठिक उत्तर टी हूँ आमर कुतुबुद्दीन ऐबक है कुतुबुद्दीन ऐबकटा भारत रे मामलुक राजवंशर प्रतिष्ठा करिथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ आमर अंडर ह्विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भारतर क्यों संविधान भारतर क्यों अनुच्छेद अनुजाई है भारतीय संविधान क्यों अनुच्छेद अनुजाई कैन द प्रेसिडेंट प्रोमुलगेट एन ऑर्डिनेंस माने राष्ट्रपति गोटे ऑर्डिनेंस को पास करी थांती कौ आर्टिकल माने कौ अनुच्छेद द्वारा आर्टिकल 101, आर्टिकल 168, आर्टिकल 123 और आर्टिकल 75 तो राइट आंसर हूँ आमर आर्टिकल 123 माने आर्टिकल 123 अनुजाई है भारतर संविधान आर्टिकल 123 धारा अनुजाई है राष्ट्रपति गोटे ऑर्डिनेंस को पास करी थांती हला। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ आमर मुसी रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हिच रिवर्स माने मुसी रिवर क्यों नदी गोटे सहायक नदी है माने ट्रिब्यूटरी माने एरा मुसी रिवर जाला माने से पानी ता मुसी रिवर पानीटा से नदी में पड़ू है तो राइट आंसर कौटा जमुना गंगा गोदावरी ना कृष्णा तो सठिक उत्तर हूँ कृष्णा कृष्णा नदीटा हूँ है कृष्णा नदी गोटे सहायक नदी हूँ मुसी रिवर है कृष्णा जो मुसी रिवरटा कौठ आसी तेलेंगाना बाहरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ आमर ह्विच मुमेन्ट्स व्वाज स्टार्टेड इन द इयर 1930 बाय महात्मा गांधी महात्मा गांधी द्वारा 1930 मसीह क्यों आंदोलन आरंभ करा जाइतिला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है माने असहयोग आंदोलन सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट माने आईन अमान्य आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट माने भारत छाड़ आंदोलन एवं खिलाफत मूवमेंट कौटा स्टार्ट होता तो सठिक उत्तर हूँ सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट है 1930 मसीह सिविल डिस माने आईन अमान्य आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा आरंभ करा जाइतिला हला तो राइट आंसर हूँ ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ आमर हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार माने बिहार रो बिहार रे जो सिपाही विद्रोह 1857 मसीह जो चलता ताकू किए तार नेतृत्व किए नहीं तो खान बहादुर खान तांतिया टोपे ना कुंवर सिंह ना मंगल पांडे तो सठिक उत्तर टी हूँ आमर कौटा ना कुंवर सिंह है कुंवर सिंह टा बिहार रे जो 1857 मसीह सिपाही विद्रोह जो चलता तहार नेतृत्व किए नहीं ना कुंवर सिंह हला तो राइट आंसर हूँ ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ आमर व्हाट वाज द नेम ऑफ उज्जैन इन एंशिएंट टाइम्स माने प्राचीन काल रे उज्जैन रो नाटा कौन थिला तक्षशिला अवंतिका इंद्रप्रस्थ ना कौन सी भी नुहे तो सठिक उत्तर हूँ आमर कौन थिला ना अवंतिका उज्जैन को क्यों नाम जना परिचित थिला प्राचीन काल रे अवंतिका हला अवंतिका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ आमर बाल गंगाधर तिलक वाज गिवेन द एपिथेट लोकमान्य ड्यूरिंग माने बाल गंगाधर तिलक को जो उपाधि दि जाइला लोकमान्य हला सेटा कौ मूवमेंट बेल दि जाइला हला स्वदेशी मूवमेंट रिवोल्यूशनरी मूवमेंट होम रूल मूवमेंट ना क्विट इंडिया मूवमेंट जोटा के आम कहूँ भारत छाड़ आंदोलन कौ थे दि जाइला तो सठिक उत्तर हूँ होम रूल लीग मूवमेंट रे होम रूल आंदोलन बेल काल बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य उपाधि दि जाइला।
नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ आमर बुद्ध वाज बोर्न एट माने बुद्ध केवे जन्मग्रहण करते तो सठिक उत्तर कौटा लुम्बिनी कपिलवास्तु पाटलिपुत्र ना वैशाली तो सठिक उत्तर होमर लुम्बिनी है लुम्बिनी उद्यान महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध जन्मग्रहण करते है 563 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ आमर हु फाउंडेड इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बंगाल माने जो बंगाल रो बंगाल गोटे स्वाधीन बंगाल को गोटे स्वाधीन राज्य हिसाब रे स्वाधीन स्टेट हिसाब रे किए प्रतिष्ठा कराई थी हला तो सठिक उत्तर कौटा इलियास हुसैन शाह मुर्शिद कुली खान ना अलीवर्दी खान तो सठिक उत्तर टी हूँ आमर कौटा ना मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खानटा हला गोटे बंगाल को गोटे इंडिपेंडेंट स्टेट हिसाब से प्रतिष्ठा कराई पारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ आमर हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ सिंध एनेक्सेशन है मैंने जिते बड़े सिंध को ब्रिटिश मानक हला साम्राज्य रे मिसागला सेते बेले भारत रो गवर्नर जनरल किए थी लॉर्ड ऑकलैंड लॉर्ड मायो लॉर्ड डेलहाउसी ना लॉर्ड एलेन बोरक तो सठिक उत्तर टी हेउछि हमर कौन ना लॉर्ड एलेन बोरक थिले भारत रो गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ आमर हु स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग द राइट्स ऑफ कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू टू द हाईएस्ट बिडर माने किए किए गोटे अभ्यास स्टार्ट करदेला जोटा कि माने जे अधिका बिल्डर माने जे अधिका पैसा देव बोली कहला ताकू हला से लैंड रेवेन्यू माने जमी करर कलेक्शन करिवार अधिकारटा ताकू दिया जाउथिला तो ए प्रैक्टिसटा किए स्टार्ट करथिला लॉर्ड क्लाइव लॉर्ड कॉर्नवालिस लॉर्ड वेलसली ना वारेन हेस्टिंग्स तो सठिक उत्तर टी हेउछि आमर किए वारेन हेस्टिंग ए प्रैक्टिसटाकू कौन करते आरंभ करते तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ आमर व्हिच इज द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी माने मनुष शरीर में कौटा सब ठार बड़ हाड़ अटे है इनकस स्टेप्स मेलियस ना फेमुर तो सठिक उत्तर टी हूँ फेमुर है फेमुरटा हूँ मनुष शरीर सब ठार बड़ हाड़ जोटा कि जंघर हाड़ को फेमुर बोली आम कही था है तो राइट आंसर हूँ फेमुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ आमर हु वाज नॉट ए पार्टी टू द कोलिशन दैट फॉट अगेंस्ट द इंग्लिश इन द बैटल ऑफ बक्सर माने इंग्रज मानक विरुद्ध रे जो बैटल ऑफ बक्सर रे हला क्यों पार्टीटा हला जोटा गोटे कोलिशन रे युद्ध लड़ी इंग्रज मानक विपक्ष रे माने विरुद्ध रे हला बैटल ऑफ बक्सर रे भारत रे क्यों कौ पार्टीटा है कौ पार्टीटा कोलिशन रो भाग नहीं नी है जो कोलिशन मान जो गठबंधन रे जो हला भाग नहीं है एपटे भारत तीनोटी शासक गोटे पटर थी एवं इंग्रज मैंने गोटे पटर थी तो ये जो तीनोटी थी से तीन जन किए ना है मीर कासिम मिर्जाफर सुजाउद्दुल्ला शाह आलम द्वितीय तो राइट आंसर कौटा तो राइट आंसर हूँ आम मिर्जाफर है मिर्जाफरटा से ही गंठबंधन रहा सपक्ष ना मीर कासिम सुजाउद्दुल्ला और शाह आलम सेकेंड ये तीन जन मिसिकी इंग्रज मानक विरुद्ध रे बैटल ऑफ बक्सर मान बक्सर युद्ध रे युद्ध करूँ है तो राइट आंसर है मीर जाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ आमर व्हिच डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सुल्तानेट रूल्ड फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड है मैंने क्यों दिल्ली सुल्तान सुल्तानेट र क्यों राजवंश सब कम समय पर शासन खिलजी राजवंश तुगलक राजवंश सईद राजवंश ना लोधी राजवंश तो सठिक उत्तर टी हूँ आमर खिलजी राजवंश है खिलजी राजवंश के 1290 रु 1320 पर्यंत शासन करी है तो राइट आंसर है ऑप्शन ए खिलजी डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ आमर द ओघ्लास करेन्ट फ्लोचिंग माने ओघ्लास जो करेन्टा जो है स्रोतटा से क्योंठारे बहे हला इंडियन ओशियन भारत महासागर पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर आटलांटिक ओशियन है साउदर्न ओशियन दक्षिण महासागर
तो राइट आंसर कोटा तो राइट आंसर हूँ आमर इंडियन ओशियन है भारत महासागर रे है एगुलास करेन्टा बहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ आमर द नेचुरल डाए प्रेजेंट इन टर्मेरिक विच नून एज मान जो प्राकृतिक जो डाएटा गोटे है हलदी जो थाए सेटा को आम कौन बोली कही था सिनामन फेनोलफ्थिलीन मिथाइल ऑरेंज ना सर्कुमिन तो कौटा बोली कही था तो सठिक उत्तर टी हूँ आमर सर्कुमिन है कौन ना कुर्कु ये सर्कु हमने कुर्कुमिन है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ आमर द फर्स्ट ट्राइबल ग्रुप व्हिच रोज अगेंस्ट द ब्रिटिश वाज मान जो प्रथम ट्राइबल है प्रथम जनजाति समूह जी कि ब्रिटिश मान मान इंग्रेज मान विरुद्ध युद्ध करने को बाहरी से किए थी कोलारियान मुंडास खासीस ना सांथाल तो सठिक उत्तर टी आमर खासी है क्यों ट्राइबल ग्रुपटा खासी जनजातिटा प्रथम बाहरी थी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ आमर हु फाउंडेड द इंडिपेंडेंट स्टेट अफ आवध है आवध को गोटे इंडिपेंडेंट स्टेट मान मुक्त राज्य हिसाब से किए प्रतिष्ठा करते सुजाउद्दुल्ला असफ फदुल्ला सफदर जंग ना सादत खान तो सठिक उत्तर होमर सादत खान किए सादत खान। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ आमर द फिल्ट्रेशन थ्योरी इन एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ इंडिया वाज प्रोपागेटेड बाय मान जो है शिक्षा मान भारत जो शिक्षा नीति अच्छे से फिल्ट्रेशन थ्योरीटा किए दे हला डब्ल्यू सी उड लॉर्ड मकले जे मिल ना लॉर्ड कॉर्नवालिस तो सठिक उत्तर टी हूँ आमर किए लॉर्ड मकले किए देते लॉर्ड मकले देते फिल्ट्रेशन थ्योरीटा तो राइट आंसर होची ऑप्शन बी हला फिल्ट्रेशन थ्योरी माने कौन ना भारतर हला अपर एवं मिडिल क्लास मान मध्यवित्त परिवार एवं ताठारु टिके अपर मिडिल क्लास को इंग्रेज मैंने निज मान इंग्रेज शिक्षाटा देउथिले हला जो जो माने यही माने जो अपर एवं मिडिल क्लास माने हला भारतर बाकी समूह को बाकी जो गरीब मान को समस्त को तांकर साइंस बाबद रे तांकर धर्म बाबद रे शिक्षा माने देवे ताको बुझाइबे सेइदिपई अपर एवं मिडिल क्लास भारतीय मान को जो शिक्षा देवार जो प्रणाली थिला जो हला सेइटा को हम कहउछु फिल्ट्रेशन थ्योरी हला थैंक यू।